नमस्कार, विद्वनी समाचार में आपका स्वागत है। किसानों को बटेंगे 21,000 करोड़, डेबिट कार्ड भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क। सरकार द्वारा 500 और 1,000 रुपए के नोट चलन से वापस ले लिए जाने के बाद किसानों के पास नकदी की भारी तंगी पैदा हो गई। सरकार ने इससे निपटने के लिए नए उपाय किए हैं। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि नाबार्ड इस धन को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि चालू सीजन में नाबार्ड ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाने की सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि 40% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी संस्थाओं से ही फसल ऋण मिलता है। दास ने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेनदेन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेनदेन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं। दास ने कहा कि डेबिट कार्डों पर लगने वाले MDR शुल्क, बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और स्विचिंग शुल्क सभी को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी ओर बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय को दुनिया में सबसे बड़ा अचानक किया गया प्रयोग करार देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के पीछे घोटाला है, जिसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने भी नोटबंदी के बाद से बैंक कर्मचारियों में बढ़ते तनाव को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर उर्जित पटेल से इस्तीफे की मांग की है। उधर गुजरात में जिला सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की 501,000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने की पाबंदी के चलते गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आदिवासी दुग्ध उत्पादक और किसान बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये आदिवासी बाजार से अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ग्राम स्तरीय सहकारी दुग्ध संस्था से नकदी मिलना बंद हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए बैंक से नकदी न मिलने से क्षुब्ध देवना तक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बैंक में जबरदस्त पथराव किया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को झटका, मुकदमों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। भारतीय सैनिकों के शवों से बर्बरता के बाद सुब्रमण्यम स्वामी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। रणजी मैच में सिर में गेंद लगने से हैदराबाद के ओपनर तन्मय अस्पताल में भर्ती। भारतीय महिला टीम के अंक काटने से ICC से नाराज है BCCI। पाकिस्तान का आरोप, भारतीय गोलीबारी में 9 नागरिकों की मौत हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।